हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ मुरथल के जोरासिक पार्क में। और इस वीडियो में आप लोगों को जोरासिक पार्क से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, अंदर आप किस तरह के वाटर स्लाइड्स कर पाएंगे, किस तरह के एम्यूजमेंट राइड कर पाएंगे, उसके अलावा एक दो यहाँ पे एडवेंचर राइड भी है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जोरासिक पार्क की लोकेशन के बारे में बात करें तो जीटी करनाल रोड मुरथल सोनीपत का होगा। खुद के व्हीकल से आना चाहते हैं तो गूगल मैप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें पार्किंग की तो टू व्हीलर के लिए पार्किंग चार्ज रहेगा ₹30 चार घंटे का और फोर व्हीलर के लिए पार्किंग चार्ज रहेगा ₹50 चार घंटे का। गाइस, अगर आप यहां तक बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से पानीपत की तरफ जाने वाली किसी भी बस में बैठ के यहां तक इजीली पहुंच पाएंगे। और अगर आप पानीपत की तरफ से आ रहे हैं तो पानीपत से दिल्ली की तरफ आने वाली किसी भी बस में बैठ के यहां तक आ पाएंगे। ये रहेगा यहां का एंट्री गेट और देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाया हुआ है। दोनों तरफ डायनासोर होगा, इस तरफ भी होगा और एक इस तरफ भी होगा। आज संडे का दिन है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं विजिट करने के लिए। आज संडे का दिन है, आप रश देख सकते हैं टिकट काउंटर के जस्ट सामने। बाकी मैं आप लोगों को टिकट काउंटर के पास जाता हूं और आपको यहां का टिकट के बारे में बताता हूं कि टिकट यहां पे क्या रहने वाला है। दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं 33 इंच तक के बच्चों का टिकट यहां पे बिल्कुल फ्री रहेगा। चिल्ड्रन का जो कि 4 फीट से कम के होंगे ₹800 का टिकट होगा और सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ऊपर के होंगे उनका भी टिकट ₹800 का होगा और सिंगल पर्सन एंट्री यहाँ पे ₹1200 का टिकट रहेगा। बाकी टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्क सुबह 10:30 बजे खुल जाता है, शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा जो आप वीडियो करो कर आराम से पढ़ सकते। दोस्तों, अगर आप जोरासिक वाटर पार्क का सस्ते में टिकट खरीदना चाहते हैं तो इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बुक माई वाउचर आप लोगों के लिए लेकर आ गया एक खास ऑफर, जिसमें आप ₹1200 का टिकट खरीद पाएंगे मात्र ₹700 में। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आप इनके वेबसाइट bookmyvoucher.com विजिट करें या इस नंबर पे कॉल करके भी आप टिकट खरीद पाएंगे। आप इनके वेबसाइट पे जाके और भी बहुत सारे वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क के सस्ते में टिकट खरीद पाएंगे। तो देर किस बात की, इस नंबर पे कॉल करो और अपना टिकट बुक कर लो। टिकट से अंदर एंट्री करेंगे, सामने रहेगा टिकट काउंटर। बाकी टिकट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। यहाँ से टिकट लेने के बाद ये रहेगा अंदर जाने का रास्ता। अब चलते हैं वाटर पार्क के अंदर, सारे स्लाइड्स आपको दिखाते हैं। उसके अलावा एम्यूजमेंट पार्क में आप कौन कौन से राइड कर सकते हैं, एडवेंचर पार्क में कौन कौन से एक्टिविटी कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले चेकिंग वगैरह किया जाएगा, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे कोई आउटसाइड फूड अलाउड नहीं होगा, अल्कोहल पी के भी आप अंदर नहीं जा सकते। जाने का देखिए एंट्री कितना ज़बरदस्त यहाँ पर बनाया हुआ है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बनाया हुआ यहाँ पर। तो ऐसे आपको बैंड अप टच करना है, उसके बाद आप एंट्री कर पाएंगे। कॉस्ट्यूम रेंट आप यहां पे देख सकते हैं, ट्रंक का ₹100 रहेगा, टी शर्ट का ₹100 रहेगा। कॉम्बो टी शर्ट और ट्रंक दोनों का लेते हैं तो ₹150 का रेंट रहेगा। बाकी लेडीज़ कॉस्ट्यूम 2 पीस का ₹150 रेंट रहेगा और सिक्योरिटी ₹150 और जमा करने पड़ेंगे आपको। किड्स कॉस्ट्यूम रेंट आप देख सकते हैं ₹100 रेंट रहेगा और ₹100 आपको सिक्योरिटी के लिए जमा करने पड़ेंगे जो कि आपको वापस मिल जाएगा। टॉवल लेते हैं तो 1 पीस का ₹100 रेंट रहेगा और सिक्योरिटी आपको ₹100 और डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और लॉकर की बात करें तो एक लॉकर का रेंट रहेगा ₹200 और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको ₹200 और करने पड़ेंगे जो कि आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे कैश और UPI पेमेंट दोनों एक्सेप्ट किया जाता है। तो दोस्तों, सामने के काउंटर से आपको टोकन मिलेगा और ये टोकन लेकर आप इस तरफ आएंगे तो आपको इस तरह का लॉकर की मिल जाएगा। अगर आप कॉस्ट्यूम के लिए इस तरह का टोकन लेते हैं आपको यहाँ से कॉस्ट्यूम भी मिल जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ लॉकर एरिया और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लॉकर की साइजेस वगैरह कैसे रहेंगे। तो ये रहेगा यहाँ का लॉकर एरिया और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लॉकर एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे। इस लॉकर के साइजेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज है, 2 बैग आप आराम से इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये रहेगा लॉकर एरिया और थोड़ा सा आगे आएंगे तो इधर से आप यहाँ पे चेंजिंग रूम देख सकते हैं। इधर फीमेल चेंजिंग रूम रहेगा और इधर मेल चेंजिंग रूम रहेगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया जो आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये रहेगा यहाँ का चेंजिंग रूम, इधर शावर एरिया बनाया हुआ है। दोस्तों, अब जा रहे हैं पार्क के अंदर। तो अंदर आते सबसे पहले आप देखेंगे एक जिराफ और सामने होगा यहाँ का बेपुल, इस तरफ होगा फूड कोर्ट एरिया। तो यहाँ पे टोटल 4 टावर होगा। ये फैमिली स्लाइड वाला टावर है, मल्टी स्लाइड वाला टावर है जिसमें आप 5 स्लाइड कर पाएंगे और इस टावर में आप टोर्नाडो वाला एक ही स्लाइड कर पाएंगे। बाकी ये वाला जो टावर है ये किड्स के लिए बनाया गया है, देख सकते हैं कितने छोटे छोटे स्लाइड्स हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
पिंक वाली स्लाइड सबसे मस्त है। किसी को भी कभी कोई डर की बात नहीं, तीसरे नंबर की स्लाइड है, लूप वाली, लूप स्लाइड, लूप लूप स्लाइड है सबसे मस्त स्लाइड है। और पहली बार आए हो जुरासिक पार्क? पहली बार ही आया सर, मजा आ रहा है। बहुत तो दोस्तों चलिए अब स्लाइड स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको सारे स्लाइड्स दिखाते हैं यहाँ का। तो दोस्तों कोई भी ट्यूब राइड करने के लिए आपको ट्यूब नीचे से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस टावर में ना टोटल 5 स्लाइड है, इधर ये ट्यूब स्लाइड होगा और एक साथ सिंगल बंदे भी जा सकते हैं, डबल भी जा सकते हैं। ये है, इस तरह से गोल गोल ट्यूब स्लाइड करते हुए नीचे जाओगे भाई, बड़ा मज़ा आता है ये वाला स्लाइड करने में। ये देखो स्लाइड को आप सिंगल ट्यूब से भी कर सकते हैं, डबल ट्यूब से भी कर सकते हैं। ये गया बंदा नीचे, हाँ हाँ डबल डबल दो लोग करेंगे। ये गया, इस टावर में टोटल 5 स्लाइड होगा और इस फ्लोर में सिर्फ एक ही स्लाइड है। और देख सकते हैं सब लोग अपने अपने ट्यूब लेकर खड़े हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बारी बारी से जाना होगा इसमें। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर वाले फ्लोर में लेकर चल रहा हूँ जहाँ पे 4 स्लाइड होगा और लॉन्चर स्लाइड भी आप इसी टावर में कर पाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 स्लाइड होगा, ये कुछ इस तरह से खुलेगा, इसके अंदर आप जाओगे और ये पोस्चर आपको फॉलो करने है। अभी एकदम से बटन दबेगा और जाएंगे अंकल नीचे। ये क्या है, यहाँ से निकलेंगे, ये निकल गए। कितना छोटा बच्चा जा रहा है भाई, लॉन्चर स्लाइड कर रहा है। रेडियो ये निकला, वो भाई क्या स्पीड है, गया वो सामने से निकलेगा। ये फ्री फॉल वाला स्लाइड करने जा रहे हैं, ये गई। भाई जा रहे हैं, ये भाई स्पीड कितनी खतरनाक है इसकी, वो भाई साहब उड़ के गिरा बंदा। भाई स्पीड देखना, ओ भाई साहब गोली की स्पीड से ज्यादा है बंदा इसमें। ये निकले, ये देखना, ये भाई जा रहा है टनल स्लाइड करने, ये गए। इतना चीखता है बंदा इसके अंदर जाके। तो मैडम जा रही है ये वाला टोर्नेडो स्लाइड करने,
ये गई, अब इधर से निकलेगी। भाई को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेट जाओ। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां का वे पुल। और ये रहेगा यहाँ का फैमिली पुल। और यहाँ पे भी आप तीन स्लाइड कर पाएंगे, दो फैमिली स्लाइड होगा, एक टनल स्लाइड होगा। ये देखो कितनी छोटी सी बच्ची आ रही है, वाओ ट्यूब स्लाइड करते हुए आ रही है। ये क्या स्पीड है भाई, बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं पूल के अंदर। ओ भाई कितनी स्पीड से आता है बंदा। तो दोस्तों ये टनल वाला स्लाइड में करने जा रहा हूँ। भाई उल्टे से गया ये, भाई मैं भी उल्टे ही जाऊंगा। तो यहाँ हमारे साथ एक फैमिली है, ऐसा लगा आप सबको जुरासिक पार्क? टोर्नाडो वाली? अच्छा किसी को टोर्नाडो लगी, किसी को लूप वाली लगी, ये वाली रैपिड रेसर वाली। काफी एंजॉय कर रहा है, बढ़िया संडे फंडे रहा है, फंडे फंडे। ये वाला एरिया देख सकते हैं, अगर आपको भीड़ भाड़ से बचकर थोड़ा अलग थलग होके यहाँ पे टाइम स्पेंड करना तो कर सकते हैं। अगर कपल है तो भी आप इस एरिया में आके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये सामने रहेगा टोर्नाडो स्लाइड। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब किड्स पूल वाले एरिया में, और इस टावर में देख सकते हैं बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए राइड्स होगा। बीच बीच में बाल्टी एक भर जाती है, फिर अचानक से पलटती है, अभी बाल्टी भर के आने वाली होगी। ये सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, ये पलटने वाली है, ये और यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉडी स्लाइड होगा, उस तरफ टनल स्लाइड होगा। ये छोटे बच्चों के लिए तो बॉडी स्लाइड होगा, और ऊपर बीच बीच में बाल्टी भर जाती है, अचानक से गिरती है।
ये एलिफेंट स्लाइड होगा, लायन स्लाइड होगा। गाइस आप यहाँ पे ना बैठने के लिए भी अच्छा जगह बनाया हुआ है, अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। एक साथ देखना कितने सारे आ रहे हैं, एक दो तीन, भाई कितने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, चार लोग आ रहे हैं भाई। ओ भाई ये तो रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी। तो किड्स पूल में बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत सारे स्लाइड्स यहाँ, बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइड्स आप किड्स पूल में देख पाएंगे जो बच्चे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक डायनासोर बनाया हुआ है, ये हिल रहा है, देख सकते हैं। इसके साथ आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। हिलना हिलना, अब नहीं हिल रहा है, अब हिलने लग गया। तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाया हुआ है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वॉल क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, ये एरिया बनाया हुआ है वॉल क्लाइंबिंग के लिए। छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो रस्सी, हाँ ऐसे छोड़ दो, गिरे नहीं गिरे ना। तो दोस्तों इस टावर में ना आप हॉरर हाउस में भी जा सकते हैं और जिप लाइन भी कर सकते हैं और 70 सिनेमा भी देखने जा सकते हैं। अगर आप जिप लाइन करते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्बो ऑफर चल रहा है, अगर आप 70 सिनेमा, हॉरर हाउस और जिप लाइन तीनों करते हैं तो आप 250 रुपये देंगे, 50 रुपये बढ़ा के ये तीनों कर सकते हैं और इसके लिए टिकट भी आपको सेकंड फ्लोर से मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ यहाँ के एम्यूजमेंट पार्क में, और सबसे पहला जो झूला मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है जायंट व्हील, और देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। ये जायंट व्हील वाला झूला स्टार्ट हो गया है और काफ़ी मज़ेदार है ये वाला राइड, अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये वाला झूला ज़रूर ट्राई करना। ज़्यादा स्पीड नहीं है, मतलब हर एक एज ग्रुप के लोग ये वाला झूला झूल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं झुलाया जाता। बढ़िया राइड है ये वाला फ्रिज भी, क्या मज़ेदार राइड है, फ्रिज भी राइड है ना, फ्रिज भी बहुत अच्छी अच्छी राइड है यहाँ पे एम्यूजमेंट पार्क के साथ, वाटर पार्क क्या बात है, इधर भी एक राइड और इधर रोलर कोस्टर वाला झूला झूल सकते हैं। ये सामने देख सकते हैं ये रोलर कोस्टर स्टार्ट हो गया है, ये काफ़ी लंबा चक्कर लगता है, जैसे नीचे से बैठ रहे ना भाई लोग ऐसे बैठेंगे फिर गोल गोल ऊपर से घूमते हुए काफ़ी तेज़ी से आप नीचे आओगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रोलर कोस्टर कैसा है, अभी देखना ये गिरने वाले हैं, ये देखना एकदम से नीचे गिरेंगे, ये देखिए भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है इसमें, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। ये अब यहाँ से घूमते हुए फिर जाएंगे, देखना ये भाई साहब स्पीड देखो इसकी, ये ऊपर नीचे होते, ये ख़त्म हो गया राइड। तो दोस्तों स्विंग चेयर वाला राइड स्टार्ट हो रहा है, और पहले तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर इस तरह से घूमने वाला चेयर इसमें बैठ के, पहले तो धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो फिर गोल गोल 2-3 मिनट घुमा के आपको नीचे उतार दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस राइड में। यहाँ पर ना एक बेबी ट्रेन करके भी राइड होगा, ये बेबी ट्रेन वाला राइड होगा, वाओ ये बच्चों का राइड है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस राइड को। यहाँ पे आप बम्पर कार वाला भी राइड कर पाएंगे, तो ये बम्पर कार वाला राइड स्टार्ट हो रहा है और देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट हो चुका है, अभी टक्कर एक दूसरे से टकराएंगे, बड़ा मज़ा आता है ये वाला राइड करने में, देखना एक दूसरे से अभी टकराने वाले, ये शुरू हो गया, ये एक दूसरे ये टक्कर टक्कर होने वाला, ये हो गया टक्कर। यहाँ पे टक राइड भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए, ये वाला झूला भी बहुत बढ़िया झूला है। यहाँ पर एक जंपिंग फ्रॉग करके भी राइड होगा, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में दिखाया है, इस तरह से होगा जंपिंग फ्रॉग राइड, इसमें आप बैठोगे और ये फ्रॉग की तरह कूदेगा और गोल गोल घूमेगा, तो
दो तीन मिनट तक ये वाला राइड अप कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना एक मिनी ट्रेन वाला राइड भी है और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वाला राइड है। अभी देखना ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। अभी ये स्टार्ट हो गया। वाओ ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए ना एक ट्रम्पलिन एरिया भी बनाया हुआ है, तो इसमें बच्चे इस तरह से कूदा फांदी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे ना आप हॉर्स राइड कर सकते हैं और रेगुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं इसका। ये रहेगा यहाँ पे मैरी गो राउंड, इसको हॉर्स राइड भी बोलते हैं। तो ये कुछ रहने वाला है यहाँ पे हॉर्स राइड। तो गाइस यहाँ पे आप ऑक्टोपस वाला झूला भी झूल पाएंगे। ये रहेगा कुछ ऑक्टोपस झूला यहाँ का। ये भाई हालत ख़राब हो जाती है इस झूले में, बड़ा ख़तरनाक झूला है देख सकते हैं भाई। झूला तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ जिस सीट पे आप बैठोगे वो भी घूम रहा है। यहाँ पे आप बुल राइड भी कर सकते हैं। ये भाई करने जा रहे हैं बुल राइड। ये बुल राइड स्टार्ट हो गया। ये भाई गिर गया भाई, देखते हैं कितनी देर रोक पाता है। ये बच्चा तो काफी देर रोक रहा है। वाओ 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 ये भाई की। दोस्तों बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे एक एरोप्लेन राइड भी होगा, तो बच्चे यहाँ पे एरोप्लेन वाला राइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर राइड भी होगा और बच्चे यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पे आके स्काई वॉक और बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत लोग स्काई वॉक कर रहे हैं। बाकी आप इसी टावर में बंजी जंपिंग भी कर पाएंगे। तो हम टावर के ऊपर जा रहे हैं स्काई वॉक करने और अभी हम लोग लिफ्ट में हैं। देख सकते हैं धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर जा रही है धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको ऊपर ले जाया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है किड्स बंजी और ये 10 मीटर पर होगा छोटे बच्चों के लिए। तो दोस्तों हम टावर के ऊपर आ गए हैं। ये बंजी जंपिंग वाला एरिया रहेगा और यहाँ से आप पूरे वाटर पार्क एम्यूजमेंट पार्क का व्यू देखो। पूरे वाटर पार्क एम्यूजमेंट पार्क का व्यू आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखो और ये रहेगा स्काई वॉक वाला एरिया। और जैसे हार्नेस पहले पहनाए गए थे, अब ये सेफ्टी बेल्ट पहनाए जा रहे हैं ताकि कोई मतलब आपको डर वगैरह ना लगे और कोई रिस्क विस्क ना रहे। तो ये रहेगा यहाँ पे स्काई वॉक एरिया। भाई साहब मैं चलने जा रहा हूँ इसके ऊपर। ओह भाई धीरे धीरे हवा आगे धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे आ रहा हूँ। हिल रहा है यार ये। भाई हिलता है इसीलिए तो डर लगता है बंदों को। भाई साहब वो भाई साहब डर लग रहा है भयंकर वाला। चलो चलो आगे बढ़ो मैं आगे जाऊँ। ये रहेगा यहाँ का बंजी जंपिंग एरिया। और भैया ये सेफ्टी वगैरह कैसे क्या प्रोवाइड किया जाता है? और सेफ्टी की गारंटी हम 100% देते हैं। हर जगह डबल सेफ्टी है। दो साइड है हमारे जंप प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा साइड भी है और उस साइड भी। अच्छा लोगों की मर्जी होती है किस साइड से करना चाहो। इस साइड से करना चाहो इस साइड से कर लो, इस साइड से करना चाहो इस साइड से कर लो। आप कूदोगे और ये रहेगा इस तरह का व्यू आएगा नीचे का। यहाँ से कूदोगे तो व्यू आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बंजी जंपिंग का छोटा सा एक क्लिप दिखा रहा हूं, हालांकि इसका पूरा वीडियो आने वाला है। जो फुल लेंथ वीडियो आएगा उसमें मैं बंजी जंपिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी दे दूंगा। उसके अलावा स्काई वॉक से रिलेटेड भी मैं सारी जानकारी इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बंजी जंपिंग के अलावा मैं स्नो पार्क भी गया हुआ था, तो स्नो पार्क का भी अलग से एक फुल लेंथ वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे कुछ दिन के अंदर। पार्क के अंदर एक स्नो पार्क भी होगा और इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। बाकी टिकट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। मंडे टू फ्राइडे टिकट रहेगा 599 रुपए और मंडे टू फ्राइडे चिल्ड्रेन और सीनियर सिटीजन का रहेगा 499 रुपए और सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज में टिकट रहेगा 699 रुपए। सैटरडे संडे और हॉलीडेज में सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रेंस का टिकट रहेगा 599 रुपए।
इधर गो कार्टिंग वाला एरिया बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे गो कार्टिंग करना चाहते हैं तो गो कार्टिंग के लिए एक चक्कर का 100 रुपए टिकट रहेगा और 3 चक्कर का 200 रुपए का टिकट रहेगा। तो यहाँ पे ना एक अनलिमिटेड बफेट वाला सिस्टम भी है। अगर आप अडल्ट के लिए 400 का टोकन लेते हैं तो अनलिमिटेड बफेट मिलेगा, और किड्स के लिए 200 का अगर आप टोकन लेते हैं तो वो अनलिमिटेड बफेट की मजे यहाँ पे ले पाएंगे। फूड स्ट्रीट भी बनाया हुआ है, जोरासिक पार्क फूड स्ट्रीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनू लिखा हुआ है, गोलगप्पे 200 रुपए का होगा, दही बल्ला 200 रुपए का होगा। तो दोस्तों अगर आप कुल्फी वगैरह खाना चाहते हैं तो ये कुल्फी वगैरह के यहाँ पे चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं। तो दोस्तों सामने रहेगा फैमिली पूल, फैमिली पूल से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे और एक फूड कोर्ट आप देख पाएंगे, और यहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ खा पी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन डोसा 150 रुपए का होगा, मसाला डोसा 180 रुपए का होगा, पनीर डोसा 200 रुपए का होगा, फ्रेंच फ्राइज 140 रुपए का होगा, मैगी 140 रुपए का होगा, वेज सैंडविच 100 रुपए का होगा, राजमा चावल 180 रुपए का होगा, दाल चावल 180 रुपए का होगा, छोले चावल 180 रुपए का होगा, छोले भटूरे 180 रुपए का होगा, पाव भाजी 150 रुपए का होगा। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी खाना हो तो आप इस काउंटर पे आगे खा पी सकते हैं। ये कितने का होगा भैया? 200 रुपए का। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मोबाइल पाउच खरीदते हैं तो ये 200 रुपए का होगा। तो दोस्तों जोरासिक पार्क से रिलेटेड हर एक जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टाटा।